हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। हम अपना होटल चेकआउट कर रहे हैं अभी। यहाँ से हम कहाँ जाएंगे? यहाँ से हम दूसरे डेस्टिनेशन जाएंगे। अभी हो गया वेनिस का सफ़र ख़त्म। बहुत बढ़िया था। हाँ, उतना ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए कुछ नहीं यहाँ पे। यहाँ मोस्टली मुझे इतना समझ में आया कि आप आओ, चिल मारो, हल्का फुल्का घूमो, खाओ पियो। खाना बहुत बढ़िया है, हमने जितना भी खाया बहुत अच्छा है। रिलैक्स टाइप का प्लेस है। वन डे इज मोर देन सफिशियंट। और अगर नहीं भी आओ तो भी चलेगा। ऐसी कोई मतलब होती है ना मैंडेट प्लेस की, जाना है आप इतनी जाओ, तो मुझे ऐसी फील नहीं आई। ये मेरे पर्सनल व्यू है। तो देखिए, यहाँ पे मुझे लगा कि जो हमने नहीं किया, कुछ म्यूज़ियम है, रोमन आर्किटेक्चर का कुछ म्यूज़ियम रखा हुआ है, तो अगर जिनको इंटरेस्ट है वो आके देख सकते हैं डेफिनेटली। एंड कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो बहुत 18th सेंचुरी या 14th सेंचुरी, हाँ मतलब रोमन एम्पायर कुछ, हाँ 18th सेंचुरी का होगा या तो 14th सेंचुरी, तो बस वही सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि काफ़ी फोटोज़ में तो डेफिनेटली अच्छा आता है। वेनिस सीजन बोले क्या व्यू, मतलब बहुत अनरियलिस्टिक व्यू है। मैं कुछ फोटोज आपको पोस्ट कर दूंगी तो आप देख सकते हो, जैसे कि स्क्रीन में आप देख सकते हो। देखिए, अभी अब हम दिखा रहे हैं कुछ फोटोज, ये फोटोज, ये सारे फोटोज ये वेनिस के हैं जो हमने अपने फोन से लिए थे। नो फिल्टर की जरूरत नहीं। इतनी सुंदर व्यू है, कोई जरूरत नहीं, बहुत ही रिलैक्सिंग। हाँ, रिलैक्स करना है, चिल करना है, वेनिस आके आप रहो, बहुत बढ़िया प्लेस है। एक और छोटा सा टिप कि आप अगर मेन अट्रैक्शन एरिया में आके खाना चाहते हो तो बहुत महंगा है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बोतल हाफ लीटर पानी का 4 यूरो, 4.5 यूरो जाता है। अंदर थोड़ा जाओगे आप, थोड़ा एक्सप्लोर करके स्ट्रीट्स के अंदर, तो वहाँ पर बहुत सस्ते मिल जाते हैं। 2 लीटर का पानी 2 यूरोज़ में मिल जाते हैं, 1.5 यूरोज़ में मिल जाते हैं। तो यू नीड टू एक्सप्लोर। हाँ, वो वाले बहुत वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स। एक चीज़ अच्छा है, जितनी गलियों में आप जाओगे ना उतनी ब्यूटी आपको दिखेगी सामने। हाँ, जैसे ही आप उतर रहे हो नो डाउट ब्यूटी है, बट जो वेनिस की जो गलियों की ब्यूटी है ना, जो आपको पिक्चर्स में दिखती है, इंस्टाग्राम हो गया, गूगल पिक में, वो आपको गली के अंदर ही मिलेगा। चलिए, अब हम अपना जर्नी यहाँ से शुरू करते हैं। अब हमें जाना है वापस वेनिस रेलवे स्टेशन, वहाँ से हमारी ट्रेन है अगले स्टेशन के लिए। फिलहाल के यहाँ का 9:23 हो चुका है, 9:27 AM हो चुका है। और हमें फेरी भी लेनी है, फेरी वाटर बस। वो भी एक अच्छा मजा है वेनिस का। एक चीज देख सकते हैं, देखिए गाड़ी इतना दूर है, प्याली क्रॉस कर रही है, गाड़ी रुक गई। ओए होए होए, गाड़ी जा सकती थी, प्याली वैसे रुकी हुई थी आराम से। ये कैसा लगा? वाटर बस ले ली है, अब हम जा रहे हैं सेंट्रल लुचिया स्टेशन। वहीं पे रेलवे स्टेशन भी है, वहाँ से हमें अपनी ट्रेन लेनी है। हम पहुँच चुके हैं वेनिस रेलवे स्टेशन, अब यहाँ से लेना है रेल। ओके, टाइम टू से बाय बाय टू वेनिस। हमारी ट्रेन मिल गई, स्टेशन में है अभी। अनदर 5 मिनट्स बाद बोर्डिंग करने के लिए बोला गया। फाइनली वेनिस की जर्नी यहाँ समाप्त हुई। हम जा रहे हैं दूसरे डेस्टिनेशन की ओर। जाते हुए व्यू काफ़ी बुरा लग रहा है, बट नेक्स्ट टाइम आएंगे, ये मोटिवेशन है। और ये पंकज राज जल गया, काफ़ी जले हुए हैं इधर। मैं यहाँ पे कैरामेलाइज हो गया। एक तो यहाँ इंडिया के खाने नहीं मिल रहे और हम बात उसी का कर रहे हैं, पापड़ी चाट। दाल भात खाने का मन हो रहा है तो उसमें दिखाते हैं ना, नेपाल के जो वीडियो है सोलो, खूब दाल भात खाते हैं। उधर दाल भात ही मिलेगा, रोटी तो मतलब बहुत फैंसी चीज है वहाँ का। रिलैक्स करने के लिए बेस्ट है वेनिस, आओ एकदम लेजरली घूमने के लिए बहुत बढ़िया। हमारी ट्रेन का स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर। फाइनली हम अपने होटल पहुंच चुके हैं। होटल बहुत ही अच्छा लोकेशन में, रेलवे स्टेशन के एकदम करीब। रेलवे स्टेशन से निकल के हार्डली 300 मीटर्स चलना पड़ा हमें, एंड स्ट्रीट्स आर ऑल्सो गुड। तो हमने अपना बैग्स को जो है साथ में ड्रैग करके ले आए होटल तक। हमारा रूम हमें मिला है
फिफ्थ फ्लोर। बहुत ही भूल भुलैया वाली है, कहते हैं ना कि मैं वैसे जाना होता है। चलो अब रेस्ट लेते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, उसके बाद भूख लगी है, हाँ उसके बाद खाने के लिए निकलते हैं। एक्चुअली हम अभी टीवी ढूंढ रहे थे, रिमोट इधर है तो देख रहा हूँ, टीवी तो उधर है कबर्ड के ऊपर। कौन देखेगा उधर? देखने के लिए हम लेट के तो कभी ना देख पाए उस टीवी को। अरे भाई यूरोपियन स्टाइल वेदर सही है, वॉक कर सकते हैं। हम अभी निकल पड़े वो फेमस ब्रिज पोंटे वकायो, आई थिंक प्रोनाउंसिएशन सही है, पोंटे वकायो, वहाँ जा रहे हैं। यहाँ हमारे होटल से 1 किलोमीटर दिखा रहा है, 14 मिनट्स का वॉक है। ये क्या बैगवती का दुकान है? तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम उस ब्रिज। मैंने पढ़ा था इंटरनेट में ये 14 और 13 सेंचुरी में बना। मुझे जो लग रहा है ना, यहाँ बस शॉपिंग करने के लिए आए, जिनको डिजाइनर कपड़े जूते घड़ियों के शौक है, उसके लिए तो बेस्ट प्लेस है, बेस्ट प्लेस है। अदरवाइज मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, भी हो सकता है, हमें उतना नहीं पता। हम फाइनली पहुँचने वाले हैं ये एक कैथेड्रल चर्च, इसको गेट्स ऑफ पैराडाइज से भी जाना जाता है। सी और ऊपर तक लोग चढ़े हैं, राइट। अगर मौका मिलता है हमें ऊपर तक जाने का, हम जाने की कोशिश करेंगे। इतना बड़ा स्ट्रक्चर है ना, इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इनफैक्ट ये ताजमहल से भी बड़ा है। हाँ डेफिनेटली ताजमहल से भी बड़ा है। दहरिया कैसा रहा एक्सपीरियंस अब तक का? ऐसे ही रहे, चलो। तो अनफॉर्चुनेटली हमें अंदर जाने का नहीं मिला, क्योंकि 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 3:45 तक ही है। मस्त है, मस्त उठपटांग हरकत की है। हाँ रुका एक, प्याली किससे बात कर रहे हो? तो कैसा लगा टावर को बचा के? अच्छा फील आ रहा है? चढ़ेंगे ऊपर।